नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मेष राशि वालों की बात करें तो दिनचर्या अव्यवस्थित हो सकती है, परिवार में जिम्मेदारी बढ़ेगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, मन अशांत रहेगा, परिवार की समस्या परेशान कर सकती है, मित्रों से मतभेद हो सकते हैं, आय की स्थिति संतोषजनक रहेगी। वृष राशि की बात करें तो मानसिक शांति रहेगी, किसी मित्र के सहयोग से नौकरी के अवसर मिल सकते हैं, कार्य क्षेत्र में भी परिवर्तन हो सकता है, माता को स्वास्थ्य विकार हो सकता है, दिनचर्या अव्यवस्थित रहेगी, मित्रों के सहयोग से आय वृद्धि के स्रोत विकसित हो सकते हैं। मिथुन राशि वालों की बात करें तो आज मन परेशान रहेगा, आत्मसंयत रहेंगे, क्रोध के अतिरेक से बचे, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे, किसी संपत्ति से आय हो सकती है, मानसिक तनाव हो सकता है, व्यर्थ के विवाद एवं झगड़ों से बचने का प्रयास करें, संतान से मतभेद हो सकते हैं। कर्क राशि वालों की बात करें तो मानसिक शांति रहेगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा, कारोबार की स्थिति में सुधार होगा, मन में निराशा एवं असंतोष के भाव रहेंगे, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, मित्रों के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर जाना हो सकता है। सिंह राशि वालों की बात करें तो मन में असंतोष रहेगा, खर्चों की अधिकता रहेगी, कुछ पुराने मित्रों से भेंट हो सकती है, कारोबार में परिश्रम अधिक रहेगा, शनि रुष्टा शनि तुष्टा के भाव रहेंगे, आत्मविश्वास से लवरेज रहेंगे, कारोबार में कठिनाइयां आ सकती है, फिर भी लाभ के अवसर मिल सकते हैं। कन्या राशि वालों की बात करें तो बातचीत में संयत रहे, नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन हो सकता है, परिश्रम अधिक रहेगा, आशा निराशा के मिश्रित भाव मन में रहेंगे, किसी राजनेता से भेंट हो सकती है, आय में कमी एवं खर्चों में वृद्धि की स्थिति रहेगी। तुला राशि वालों की बात करें तो वाणी में मधुरता रहेगी, मन अशांत हो सकता है, नौकरी में अवसर से वाद विवाद से बचने का प्रयास करें, मानसिक तनाव रहेगा, घर परिवार में धार्मिक कार्य होंगे, मीठे खान पान में रुचि बढ़ेगी, बातचीत में संयत रखें, धन की प्राप्ति हो सकती है। वृश्चिक राशि वालों की बात करें तो मानसिक शांति रहेगी, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं, पदोन्नति हो सकती है, कार्य क्षेत्र का विस्तार भी हो सकता है, पठन पाठन में रुचि बढ़ेगी, शैक्षणिक कार्यों में सफलता मिलेगी, नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धनुराशि वालों की बात करें तो मन परेशान रहेगा, किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं, धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयत्न करें, आलस्य की अधिकता रहेगी, भाई बहनों का सानिध्य एवं सहयोग मिलेगा, अपने क्रोध एवं आवेश पर नियंत्रण रखें, अनावश्यक तनाव ना लें। मकर राशि वालों की बात करें तो शनि रुष्टा शनि तुष्टा की मन स्थिति रहेगी, कोई पारिवारिक कारोबार फिर से शुरू हो सकता है, आय में वृद्धि होगी, बनते कार्यों में व्यवधान आएंगे, वाणी में सौम्यता रहेगी परंतु स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी रहेगा, आय में वृद्धि होगी। कुंभ राशि वालों की बात करें तो मन परेशान रहेगा, आय में कमी एवं खर्च अधिक की स्थिति रहेगी, पारिवारिक जीवन कष्टमय हो सकता है, मित्रों का सहयोग मिलेगा, मन में शांति के भाव रहेंगे, किसी मित्र का आगमन हो सकता है, कार्य क्षेत्र में परिश्रम की अधिकता रहेगी। मीन राशि वालों की बात करें तो बातचीत में संतुलित रहने का प्रयास करें, संतान के स्वास्थ्य में सुधार होगा, कृषि मित्र के सहयोग से आय में वृद्धि हो सकती है, मन में नकारात्मक विचारों का प्रभाव रहेगा, परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं, संतान को कष्ट रहेगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।